हेलो, हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। और हाँ, इस रक्षाबंधन पर हम अपने भाई को एक अलग ही अपने हाथ से बनी हुई रेसिपी ट्राई करवाएंगे, क्योंकि हम रोज़ बोरिंग सा नाश्ता करा के बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं। तो चलो उसके लिए बनाते हैं हम कुछ बिस्किट्स। उसके लिए आपको आटा, उसमें आपको घी, मक्खन, शुगर और फिर इसमें डालना है बेकिंग सोडा, नमक और फिर डालना है दूध और उसको आटे को गूंथ लेना है। गूंथने के बाद आपको लोई बनानी है। लोई बनाने के बाद उसको आपको बेल देना है और बेलना है आपको पतला पतला। और फिर आप किसी कटोरी की मदद से उसको शेप दे सकते हो। फिर भी आपको बिस्किट मोटे लगे तो आप इसको हाथ की मदद से पतला कर सकते हो। और उसी के बाद हम तवे पर रख देंगे सारे बिस्किट और उसको हम एक प्लेट पर रखेंगे जिसके ऊपर ऑयल या घी लगाएंगे और सारे बिस्किट रख देंगे और उनके शुगर बॉल्स। और शुगर बॉल आप कम या ज़्यादा रख सकते हो, जितनी आपको पसंद है उतनी। और इसी के साथ कढ़ाई में पानी गर्म करेंगे और उस प्लेट को रख देंगे, 10 से 15 मिनट पकाएंगे। और हाँ, मैं इसमें छेद करना भूल गई थी तो बाद में किया है मैंने बिस्किट में छेद। 20 मिनट के बाद हमारे बिस्किट रेडी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट रेसिपी हमारे छोटे भाइयों को पसंद आने वाली, तो उसके लिए आपको बिस्किट रख देने हैं और उनको पहले से ही उन पे छेद कर देना है। छेद करने के बाद आपको इसके ऊपर रखनी है चॉकलेट। तो मुझे सारी खा जानी है। चॉकलेट रखने के बाद आपको प्लेट को रख देना है, वो भी आप चाहो तो इसको कढ़ाई में भी रख सकते हो और चाहो तो इडली वाले कुकर में भी। और दूसरी रेसिपी है नान खटाई बिस्किट। उसके लिए आपको लेना है मैदा और मक्खन, घी, नींबू, बेकिंग सोडा, नमक, शुगर। ये सारी रेसिपी सेम ही है, इसमें बस नींबू और मैदे का फ़र्क है। और उसको हमें बिना दूध ऐड किए ही इसको तैयार करना है डो को। डो तैयार होने के बाद हम हाथ से इन बिस्किट को बनाएंगे। हाथ से हम पतला पतला बना देंगे और एक प्लेट में घी लगाकर सारे बिस्किट रख देंगे और उनके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स रखेंगे। जो आपको ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी रख सकते हो, जो आपको पसंद है वो सब, और नहीं रखने हैं तो भी चलेगा। तो इसको भी ये वाला बिस्किट तो मैं जरूर ट्राई करूंगी। इसको इडली वाले कुकर में रख देंगे, 10 से 15 मिनट पकाएंगे। ये सारे बिस्किट तो मैं खुद खा जाऊंगी, भाई के लिए कुछ नहीं रखूंगी। तो ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने भाइयों को ये रक्षाबंधन पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करवाना। और मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू। बाय।